स्टूडेंट, आज हम पैडागोजिक इंग्लिश के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कम्युनिटी। और इसमें हम जो सबसे पहला जो टॉपिक दे रही वो है मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। तो सबसे पहले फोकस करेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। या मीनिंग ऑफ कम्युनिटी क्या है? All the people who live in a group or a part, a particular place, area, it's called community. All the people. All the people who live in particular place or a एरिया, पहले की जो सिटी होती है उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं समुदाय। यानी कि कम्युनिटी आपके लिए होगा कि एक ऐसी जगह पर्टिकुलर प्लेस जिसमें पर्टिकुलर लोग रहते हो, एक ही रिलीजन के हो, एक ही जाति, एक धर्म के हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो आते हैं कम्युनिटी में, कम्युनिटी यानी समुदाय में। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि व्यक्तियों का समूह जिसके अंदर वो हैव समथिंग इन कॉमन, वो हैव समथिंग इन कॉमन, जिनमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन को हमारा समुदाय कहलाता है। यानी कि जो कुछ चीज़ें जैसे कि कॉमन जो चीज़ें रहेगी वो समुदाय कहलाता है। कम्युनिटी इज अ सोशल यूनिट। अब कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज अ सोशल यूनिट, एक सामाजिक इकाई है। ये कुछ ध्यान दे रही होगी बातें जो मैं आपको आपकी लिखवा रही हूँ। विथ कम्युनिटी जैसे एक सोशल यूनिट है जिसके अंदर विथ कम्युनिटी या विथ कॉमनलिटी नॉर्म्स रिलीजन कास्ट, यानी कि उसके अंदर रिलीजन भी हो, कास्ट भी हो, वैल्यूज हो और एक्सेट्रा, ये सब हो जिसके अंतर्गत जिसमें एक यूनिट है, सामाजिक यूनिट कहलाती है, जिसके अंदर कॉमन हो, क्या कॉमन चीजें, जैसे उनके जो नॉर्म्स हो, उनका सुधार, उनके जो कास्ट है, उनके जो वैल्यूज है, उनके जो आचार विचार है या जो चीज़ें उनकी कर्तव्य है, उनकी ड्यूटीज है, वो सेम हो तो वो हमारी कम्युनिटी कहलाती है। यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस हो जिसके अंदर पर्टिकुलर प्लेस में कॉमन लोग रहते हो, जिसके अंदर जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है, वो हमारा समुदाय कहलाता है। तो समुदाय का अर्थ मैंने आपको बताया, तो समुदाय का अर्थ यही है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जिसमें किसी कोई धर्म को लेकर समानता हो, किसी कास्ट को लेकर समानता हो, किसी भी चीज़ को लेकर समानता हो, तो वो हमारा समुदाय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजिकल जो कम्युनिटी होती है उसमें बायो को लेके ही रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो वो उनकी कम्युनिटी होती है, उनकी समानता होती है, तो वो हो गया आपका कम्युनिटी। तो आज आपने जो पढ़ा था वो था कम्युनिटी का अर्थ, यानी कि ऑल द पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया इज कॉल्ड अ कम्युनिटी। कम्युनिटी का अर्थ मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब जो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, फर्स्ट आपने पढ़ा था मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, और अभी जो हम पढ़ने चाहेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। दूसरा है हमारा अनुभव पॉइंट को विचार किया था, डिस्कस किया था। दूसरा हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। तो आपने अर्थ जान लिया, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। कम्युनिटी प्रोवाइड्स हेल्प टू द चिल्ड्रन मेक brings notice towards physical development to the children. Physical development का पहला है इसका physical development of the children, यानी कि जब कम्युनिटी में रहेगा तो
लिए आपको देगा अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता रहेगा। द चिल्ड्रन लर्न टू ओबे देयर ड्यूटीज। अब दूसरा क्या आएगा, द चिल्ड्रन लर्न टू ओबे देयर ड्यूटीज। वो एक दूसरे को देख देख के अपनी ड्यूटी सीखा के ड्यूटी सीखेगा उसे किस प्रकार से अपनी ड्यूटी निभाने से किस प्रकार से बड़ों का रेस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें वो कम्युनिटी में रहकर ही सीखता है। क्योंकि वातावरण कम्युनिटी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो बालक का विकास होता है शारीरिक विकास मानसिक विकास बौद्धिक विकास के अंदर जो है कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल लिविंग इन द कम्युनिटी। ड्यूटीज के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज while living in community में रहेगा तो वो अपनी duties को responsibilities को निभाना सीखेगा। फिर दूसरा है इसके अंदर उनका जो character building होगा, character character builder यानी community में रहेंगे तो उनका character builder होगा। उसके अलावा है आपका उसके बाद वाइल लिविंग इन कम्युनिटी द चिल्ड्रन कैन गेट मोर एक्सपीरियंस हैविंग बीन हर्ड सीन और एक्सपेरिमेंटेड थिंग्स अकॉर्डिंगली। यानी कि वो जो देखेंगे सुनेंगे उनका जो अनुभव है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यानी वो देखकर सुनकर सारी चीज़ों को अपने अनुभवों के साथ आगे आगे वो चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो कम्युनिटी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है बालकों के शारीरिक विकास पर मानसिक विकास पर और उनके बौद्धिक विकास पर। वो जब कम्युनिटी में रहते हैं तो अपने जो वैल्यूज होते हैं जो बड़ों को आदर करना है बड़ों का सम्मान करना है अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी ये सारी चीज़ें भी वो कम्युनिटी में रहकर ही सीखते हैं। तो आज जो आपने पढ़ा था वो कम्युनिटी था। कम्युनिटी में आपने पढ़ना पड़ा था मीनिंग ऑफ कम्युनिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी की आवश्यकता क्यों है, क्यों है, क्योंकि वहाँ क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट होता है चिल्ड्रन का। उसके अलावा भी चिल्ड्रंस जो होते हैं जो बच्चे होते हैं दे लर्न टू ओबे देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाइल दे लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी। जब कम्युनिटी में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर उनका कैरेक्टर बिल्डअप होता है। फिर जो एक्सपेरिमेंट उनका जो है एक्सपीरियंस उनका बढ़ता है। एक्सपेरिमेंट करना सीखते हैं वो जो देखते हैं जो सुनते हैं उन चीज़ों को वो अपनाते हैं। इसलिए कम्युनिटी का उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपको इसमें कुछ नहीं आता है या समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।